अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको स्लिट नेक लाइन तैयार करना सिखाऊंगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, शर्ट की फ्रंट साइड लें और प्रेस करके डबल करें। पाइपिंग के लिए कंट्रास्ट कपड़ा लें, बुकरम डबल करें। नेक लाइन की चौड़ाई 3 इंच पर मार्क करें, लंबाई 4 इंच रखें और स्क्वायर बनाएं। कॉर्नर से 1 इंच लें और इस तरह से गुलाई करें। आप स्लिट की लंबाई 11 इंच रखें, 1 इंच बुकरम एक्स्ट्रा रखते हुए 12 इंच पर मार्क करें। आप साइड से तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम रखते हुए लाइन ड्रॉ करें। गुलाई में भी तकरीबन सेम ही चौड़ाई रखते हुए मार्क करें। आप कटिंग करें। आप शर्ट का फ्रंट प्रेस करके सेंटर बनाएं। बुकरम की स्लिट पर भी सेंटर का निशान बना लें। आप दोनों सेंटर लाइन मिलाते हुए नेक लाइन पेस्ट करें। नेक लाइन की गुलाई में एहतियातन कटिंग किया हुआ पीस भी पेस्ट कर लें, ताकि नेक लाइन ज़्यादा खुला ना हो। अब सेंटर लाइन पर मार्क करें। नेक लाइन की गुलाई में बुकरम के साथ साथ कटिंग करें। सेंटर में से कटिंग करें, नीचे से 1 इंच बुकरम छोड़ दें। अब कंट्रास्ट कपड़े पर 1.5 इंच चौड़ाई रखें, या फिर बुकरम की चौड़ाई के मुताबिक कपड़े की चौड़ाई रखें और कपड़ा डबल करके 2 लंबी स्ट्रिप्स कटिंग कर लें। अब ये दोनों साइड की पाइपिंग होगी। कट के एंड पर पॉइंट का फासला छोड़ते हुए लाइन लगाएं। कट की साइड्स की चौड़ाई मशीन के सिंगल बूट के मुताबिक रखें। दोनों साइड से हम बुकरम सिर्फ सिंगल बूट जितना ही स्टिच करेंगे। अब सिंगल बूट के मुताबिक बुकरम पर सिलाई लगाएं। व्यूवर्स, ख्याल रहे कि नीचे वाला कपड़ा सिलाई लगाते हुए थोड़ा बाहर की तरफ नज़र आए, ताकि सिलाई अच्छी तरह ग्रिप में चली जाए। अगर आप सिंगल बूट पर फोकस करेंगी तो आपकी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। अब यहाँ मार्क तक स्टॉप करें और थोड़ा बैक करके स्टिच डबल करें। अब इसी तरह दूसरी साइड पर पाइपिंग का कपड़ा नीचे रखकर सिलाई स्टार्ट करें। इस कट से कॉर्नर तक तिरछे कट लगाएं। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा नेकलाइन के मुताबिक कट कर दें। अब उल्टी साइड पर पाइपिंग पलटें। ख्याल रखें कि जितना बुकरम हमने सिलाई में दिया है, पाइपिंग की चौड़ाई भी उतनी ही होनी चाहिए। अब उल्टी साइड पर बुकरम के मुताबिक कपड़ा फोल्ड करते हुए तरपाई करें। अब ऊपर से एक नेकलाइन की गुलाई कवर करने के लिए अरे पट्टी कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से तिरछा रखें और सेंटर से कट करें। 1.5 इंच चौड़ाई रखते हुए मार्क के मुताबिक कटिंग करें। पट्टी स्ट्रेट करें, नीचे वाली साइड पर रखकर ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करें और यहाँ भी सिंगल बूट के मुताबिक सिलाई की चौड़ाई रखें। ख्याल रखें कि नीचे वाली अरे पट्टी थोड़ी बाहर की तरफ हो। नीचे वाला कपड़ा गुलाई में थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ करते जाएं और गुलाई में सिलाई लगाएं।
अगर आप नीचे वाला कपड़ा एक ही दफ़ा में खींच कर पकड़ेंगी तो गुलाई अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड की रेप पट्टी लगाएं। अब गुलाई में हल्के हल्के तिरछे कट्स लगाएं। बुकरम के मुताबिक पाइपिंग उल्टी साइड पर पलट लें। कपड़ा टाइट करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएं। व्यूवर्स देखिए, बहुत नीट और ख़ूबसूरत पाइपिंग नेकलाइन स्टिच हुआ है। उल्टी साइड पर गुलाई में तरपाई करें या सिलाई लगाएं। अब ऊपर से 2 इंच कट रखते हुए मार्क करें। कपड़े की चौड़ाई 2.5 इंच रखें और लंबाई स्लीट की लंबाई के मुताबिक रखें। ऊपर से और साइड से फोल्ड कर लें। अब ऊपर से गुलाई में किनारी इसकी सिलाई लगाते हुए इस मार्क पर पट्टी नीचे रखें और बहुत नीटनेस के साथ सिलाई लगाएं। स्लिट पर बटन या पर लगाएं। खूबसूरत नेकलाइन तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।